नमस्कार, मध्य प्रदेश के खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के विधानसभा के प्रकलन समिति के सभापति सिलवानी विधायक रामपाल सिंह और विशेष आमंत्रित सदस्य लोक के साथ सिलवानी में आयोजित बैठक में जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास, खनिज साधन विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास सहित अन्य विभागों की समीक्षा की गई। कलेक्टर अरविंद दुबे ने संबंधित विभागों की योजना तथा गतिविधियों से अवगत कराया गया और बैठक में आईपीसी की सड़क एवं चिनकी परियोजना की जानकारी लेते हुए समीक्षा की गई और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। और इसी प्रकार पीएचए विभाग द्वारा जल निगम की समीक्षा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित जल जीवन मिशन, नल जल योजना के क्रियान्वयन तथा प्रगतिरत कार्यों की जानकारी ली गई। नकल नकली होती, असली असल होती। हमारे मंडल है तो उनने मतलब कर दिया। 2 लाख का उनका समय मालूम है, कितने फार्म भरा है, नीले पीले रंग रंग 3 रंग के फार्म भरवाए थे। युवाओं को 4,000 के फार्म भरवाए थे, 4,000 रोजगार भत्ता महीने पे देंगे, नियमितीकरण करेंगे। नियमितीकरण के लिए गए तो उन पर लाठी चार्ज करवाया, युवाओं को 4 रुपये नहीं दिए, किसान कर्ज में डुबो दिया। कांग्रेस अब कितने ही ढोंग करे, जनता उन पर विश्वास करने वाली नहीं, क्योंकि झूठ बोलने में जिस तरह उनने किसानों को धोखा दिया 2 लाख का, युवाओं को 4,000 का दिया, हमारे कर्मियों पर नियमितीकरण नहीं किया और इस तरह धोखा जनता से किया है, तो जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही। और विश्वास चुनाव आएगा तो वो तो झूठ बोलने में नंबर एक। मध्य प्रदेश में शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया और जिससे उज्जैन जिले के परीक्षा परिणाम बेहतर रहे हैं और परिणाम में उत्कृष्ट विद्यालय के 12वीं के छात्र देवांश सोनी ने गणित समूह में 96% अंक पाकर प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया है। तो वहीं इसे विद्यालय की छात्रा ट्विंकल दलाल ने कॉमर्स विषय में प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त कर विद्यालय और शहर का नाम रोशन किया है। और इसके अलावा इसी विद्यालय के 4 छात्र छात्राओं ने कक्षा 10वीं और 12वीं के जिला स्तरीय मेरिट सूची में भी स्थान बनाया है। बता दें कि इस साल उज्जैन जिले का कक्षा 10वीं का परिणाम 61% और 12वीं का परिणाम 48% रहा है। उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य संजय त्रिवेदी ने विद्यालय का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। वहीं छात्र देवांश सोनी और कक्षा 10वीं में जिले की मेरिट सूची में दूसरे स्थान पर आने वाली छात्रा आस्था सूर्यवंशी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और टीचर्स को देते हुए कहा कि भविष्य में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का लक्ष्य रखते हैं। मेरा नाम देवांश सोनी है, मेरा 12th बोर्ड एग्जाम में 96% है। मेरा राज्य स्तरीय मेरिट में गणित संकाय में मेरा 8वां स्थान है और फिजिक्स केमिस्ट्री मेरिट्स मेरे तीनों में 99 मार्क्स है और इस सब का श्रेय मैं पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहता हूँ। क्या आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे मैंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसमें मेरा 93.95% है, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ सीएस ब्रांच लेके एक अच्छे कॉलेज से। किस प्रकार पढ़ाई करते थे? पढ़ाई तो ऐसा है कि मैं मतलब दिन में 4 से 5 घंटे करता था। मतलब पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए कि एक ही बार में पढ़ो तो दिमाग में सेट हो जाए, भले 1 घंटा पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। मेरा नाम आस्था सूर्यवंशी है, मेरा डिस्ट्रिक्ट मेरिट में 2वां स्थान आया है, मेरे कक्षा 10 के परसेंटेज 96.6 बने हैं। किस प्रकार पढ़ाई करी आपने और क्या इसको श्रेय देंगे? इन सब का श्रेय मैं अपने माता पिता को और मेरे टीचर्स को देना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया है। आगे क्या करना चाहेंगे आप? मैं अभी इंजीनियरिंग का मैंने सोचा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लक्ष्य रखा है और अभी IIT JEE की तैयारी कर रही हूँ। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा वर्ष 2023 का आज परीक्षा परिणाम घोषित किया गया और हमारे उत्कृष्ट विद्यालय माधवनगर उज्जैन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि हमारे यहाँ का एक छात्र जो गणित समूह का है और एक छात्र जो वाणिज्य समूह का है, ये दोनों ही क्रमशः 8वें और 7वें स्थान पर पूरे राज्य स्तर में इन्होंने अपना जो स्थान बनाया है। आपका देवांश सोनी जो है ये गणित समूह के अंतर्गत है और इसका 8वां स्थान है और इसी प्रकार वाणिज्य समूह की जो है ट्विंकल जो छात्रा है वो पूरे हमारे प्रदेश में 7वें स्थान के अंतर्गत रही है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस उत्कृष्ट विद्यालय के लिए है जहाँ का परिणाम शुरू से ही बहुत अच्छा रहता है और इस वर्ष भी 2 मेरिट
हमारे जो राज्य स्तर पर आई है उन दोनों का जो मुख्य रूप से कार्य हुआ है या मुख्य रूप से जो हमारे बच्चों ने मेहनत करी है उसकी सफलता का श्रेय इस उत्कृष्ट विद्यालय को प्राप्त हुआ है। इसके लिए सभी बच्चों को, उनके पालकों को, हमारे साथी शिक्षकों को, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जिला स्तर पर भी कुछ रहा है? हाँ, जिला स्तर पर भी हमारे यहाँ जो है 4 बच्चे जो है मेरिट के अंतर्गत आए हैं। खबर बालाघाट से है, जहां कटंगी विधानसभा के प्रबल दावेदार गौरव पार्थी के द्वारा कटंगी विद्यालय के छात्र छात्रा को हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी दिखाने बालाघाट के मिराज सिनेमा लाया गया, और जिनको दिखाने का उद्देश्य बताते हुए गौरव पार्थी ने बताया कि हमारे देश में लड़कियों के साथ लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए यह फिल्म हम सभी के लिए एक अच्छे वह इंस्पिरेशन है, और इन जिनके माध्यम से हम इन घटनाओं से बचने और दूसरों को ऐसा काम करने से रोकने का प्रयास कर सकते हैं। आज कटंगी महाविद्यालय के छात्राओं के लिए मिराज सिनेमा में हमने द केरला स्टोरी के लिए पूरा अपॉइंटमेंट किया है। हम चाहते हैं हमारे छात्राएं छात्र जो हैं इस स्टोरी के माध्यम से देश में एक प्रकार का जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसकी भी भूमिका को समझें, और उसको समझने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का भी आह्वान रहा है। इसी में हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे कॉलेज की छात्राओं को इस मूवी के माध्यम से हम इस प्रकार की घटनाओं से अवगत कराएं, ताकि हमारे समाज में इस प्रकार की घटनाओं से हम बच सकें और अखंड भारत की जो हमारी कल्पना है हम साकार। चुनाव की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह निमार के दौरे पर पहुंचे, और इसी दौरान दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा के जो बयान होते हैं उन्हें मैं गंभीरता से नहीं लेता, उनकी बात मैं गंभीरता से नहीं सुनता हूं, और वो सिर्फ झूठे प्रकरण बनवाते हैं और धौंस डपट के करते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 69 में आपको बता दें कि वो उल्लेखनीय है और पार्लियामेंट महामहिम के डायरेक्शनल पर भी चलता है, और लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें न शिलान्यास और न उद्घाटन में बुलाया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस सहित अन्य दल इसके विरोध में है। नरोत्तम मिश्रा के जो बयान होते हैं उसको मैं कभी गंभीरता से नहीं लेता, उनकी बात सुनना भी मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि उनके ना तो गंभीरता है ना राजनीति के, केवल लोगों के खिलाफ झूठे प्रकरण बनाना, धौंस दबट करना, भड़काना, ये उनकी आदत में शुमार है, इसलिए मैं उनको गंभीरता से नहीं लेता। भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में यह है कि पार्लियामेंट राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के डायरेक्शन पे काम करता है, स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा के डायरेक्शन में काम करता है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के बनवासी रामकथा के दूसरे दिन 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ आई, और जहां दिव्य दरबार लगाया गया। आपको बता दें कि आदिवासी बाहुल्य वाले बालाघाट जिले के परसवारा विधानसभा में पहली बार इस तरह का कोई विराट आयोजन किया गया है, और मध्य प्रदेश शासन के आयुष और जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अथक प्रयासों से कार्यक्रम कराया गया, और बनवासी सेवा समिति परसवारा अध्यक्ष योगेश शरणागत, रामधन सेवा समिति के वंशपाल के अलावा विभिन्न समितियों ने इस कार्यक्रम के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जानकारी के लिए बता दें कि प्रथम दिवस में लगभग 1 से 2 लाख लोगों ने बनवासी रामकथा का श्रवण किया, और लगभग 1 से 2 लाख लोगों ने संगीतमय भजनों से खूब झूमे। वनवासी से सेवा समिति परशवारा एवं आपको बता दें कि रामधुन समिति परशवारा, गायत्री परिवार, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इसके अतिरिक्त विभिन्न धार्मिक संगठनों के अपने सहभागिता दी, और भारी पुलिस बल, यातायात बल और कलेक्टर बालाघाट और पूरा अमला इस कार्यक्रम में लगा रहा।
छिंदवाड़ा में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने माता मंदिर में नवनिर्माण भूमि पूजन में शामिल हुए और इस दौरान अंडगढ़ हनुमान मंदिर से छोटी बाजार माता मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें शंकराचार्य के साथ बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। छिंदवाड़ा में विवाता हॉस्पिटल में संपूर्ण हृदय रोग विभाग को शुरू किया गया है। बता दें कि अब दिल के मरीजों को शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा विवाता ने पत्रकारों के लिए हेल्थ पैकेज और निशुल्क ओपीडी सेवाएं देने का निर्माण लिया है वहीं निर्णय लिया है। आपको बता दें कि इस संबंध में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए शहर के अत्याधुनिक विवाता क्रिटिकल केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर जजसरा शर्मा, निदेशक बलराम मिधानी और इमरान खान ने जानकारी दी है कि सेवाएं 24 घंटे रहेंगे। छिंदवाड़ा में एक चीज की अभी तक कमी थी कि एक छत के नीचे जो है डायग्नोस्टिक और मल्टी स्पेशलिटी की सुविधा उपलब्ध हो, तो हमारा उद्देश्य यही था कि शहर की इस कमी को पूरा किया जाए। एक ही छत के नीचे जो है सारी सुविधाएं सारे लोगों को मिले। एनआईसीयू के लिए लोगों को पहले बाहर जाना पड़ता था, सीटी स्कैन फोटोग्राफी जैसी चीजों के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, तो अब जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो जाता है सीटी स्कैन और जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है उसके लिए जो है वो पेशेंट का टाइम जो है बच जाता है। जितना डायग्नोसिस में टाइम सेव होता है उतनी जल्दी पेशेंट का ट्रीटमेंट भी चालू होता है। उसी के साथ एक ये मिथ था कि यहाँ पे बाहर के सारे डॉक्टर्स हैं, तो लोगों को लगता था कि वो यहाँ पे आते और फिर वापस चले जाते हैं। खबर छिंदवाड़ा से है जहां वन वृत्त स्तरीय लिपिक कर्मचारी संघ ने स्थानीय रैन बसेरा कार्यालय में विशेष बैठक का आयोजन किया। बैठक में सर्वसम्मति से संघ के नवीन कार्यकारिणी गठित की गई और इस नवीन कार्यकारिणी में पूर्व वन मंडल में पदस्थ वरिष्ठ लेखापाल संजय भावरकर को अध्यक्ष और वैजेंद्र भारद्वाज को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। बैठक में उन्होंने कहा कि लिपिक वन कर्मचारी संघ के गठन का मूल उद्देश्य विभाग में कार्यरत लिपिक कर्मचारियों के हक और अधिकारों का संरक्षण करना है और साथ ही संगठन लिपिक कर्मचारियों के सभी जायज मांगों को लेकर एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ेगा। संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से दी गई जिम्मेदारियों के प्रति साथी कर्मचारियों का आभार जताया और कहा कि कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं को मिलकर सामना करेंगे। नियम से और वर्दीधारी काम होता है बाबू अधिकारियों से डायरेक्ट, ये मुख्य कारण है। जहां तक कि मेरी समझ है, मैं गलत भी हो सकता हूं, तो मेरा ये निवेदन है कि आज हमारे बड़े भाई लोग पूरे बैठे हैं, हमारे मसराम बाबूजी, प्रेम भैया, सीनियर मिश्रा बाबूजी, रजनीश भैया, कुरेशी बाबूजी, सभी के मार्गदर्शन में ये लिपिक वर्गीय हमारा जो संघ है ये चले। मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के तत्वाधान में वन विभाग लिपिक कर्मचारी संघ का गठन किया गया और बहुत काफ़ी वर्षों से वन विभाग लिपिक कर्मचारी संघ सुस्त था, जिसे आज हम लोगों ने बैठक आयोजित कर एक कार्यकारिणी का गठन किया गया और इस कार्यकारिणी के मार्फत वन विभाग के लिपिक कर्मचारियों की जो समस्याएँ हैं, ज्वलंत समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को मुख्य वन संरक्षक महोदय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय, वन मंडल अधिकारी महोदय के समक्ष रखी जाएगी। जो काफ़ी दिनों से परामर्शदात्री की बैठक नहीं हुई है और लिपिक कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हमारे द्वारा अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और उस पर अमल करवाने का प्रयास किया जाएगा। देवास में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने जिले के सभी थानों में शिविर लगाने के लिए और राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है। इन शिविरों में प्राप्त होने वाले शिकायतों, आवेदन पत्र और सीएम हेल्पलाइन के शिकायतों का भी निराकरण किया जाएगा और इस अभियान के तहत द्वितीय चरण के अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन और आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए कोतवाली थाने पर शिविर लगाया गया और इसमें सीएसपी ने कोतवाली निरीक्षक के साथ मिलकर शिकायतकर्ताओं की समस्या सुनी और संबंधित अधिकारियों और थाना प्रभारी को जांच कर जल्द निराकरण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कुछ शिकायतों का देवास एसपी ने त्वरित निराकरण भी किया।
सेवा अभियान पार्ट टू चल रहा है, जिसमें शासन की तरफ से यह प्रायोरिटी है कि सीएम हेल्पलाइन में पेंडिंग शिकायतें हैं पुरानी, उनका अधिक से अधिक निराकरण किया जाए। तो इसी संबंध में यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें जो हमारे फरियादी थे सीएम हेल्पलाइन के, जिनकी शिकायतें लंबे समय से पेंडिंग है, उनको बुला के समक्ष सभी अधिकारियों के सामने सुना गया। इसमें से कई सारी शिकायतें जिनमें कार्रवाई पुलिस से अपेक्षित हैं, उसके संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया और अलग अलग कारणों से या कानून की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जो पेंडिंग चल रही थी उनके कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही कुछ पुरानी ऐसी शिकायतें थी जो न्यायालय के विचाराधीन हैं, जिसमें पुलिस के हाथ में अब कार्रवाई नहीं है, न्यायालय से ही निराकरण होना है। ग्राम पंचायत आनंदपुर डूंगरिया का मामला है। सरपंच संतोष भाई पति जीवन सिंह, उन्होंने कुल्हाड़ी चलाई जिनसे सिर में फ्रैक्चर आई है और धारा 326 लगने के बावजूद आज 75 से 80 रोज हो गए हैं, मगर अभी पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। अभी यहाँ कोतवाली में आप आए थे, एसपी साहब से चर्चा हुई, क्या विषय था, क्या बात हुई उनसे? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि आज कल में हम गिरफ्तार आरोपी को करके। किस तरह का शिकायती निराकरण का कैंप यहाँ पर लगा है? निराकरण का सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से लगा है। सीएम हेल्पलाइन शिकायत थी, सर ने बोला कि कल वल आज कल में गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद आप शिकायत वापस लेंगे। खबर उदयपुरा से है, जहां आपदा में अपनों की मदद के लिए डॉक्टर देवेंद्र सिंह धाकड़ सामने आए हैं। बता दें कि उदयपुरा के पास नहरहरा गांव में बीती रात गोविंद लोधी का घर और पूरा सामान जल गया और मामले की सूचना सहयोगियों ने क्षेत्र के समाजसेवी डॉक्टर देवेंद्र सिंह धाकड़ को दी, और जिस पर उन्होंने तुरंत नरहरा पहुंचकर परिवारजनों को गृहस्थ का सामान और गैस चूल्हा और नगद राशि और राशन की व्यवस्था करवाई। बता दें कि डॉक्टर देवेंद्र सिंह धाकड़ की टीम गरीब लोगों की मदद करती है और रायसेन जिले के आसपास जितने भी रायसेन जिले के में तहसील है, उसमें से किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो वह मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। बड़ी एक आपदा हमारे परिवारजन नरहरा के, कल रात में उनका पूरा घर और पूरे गृहस्थी का जो सामान था वो, और बहुत सारी नकदी यहाँ पर जो थी, वो सब पूरा ध्वस्त हो गया है, जल गया है। जिला कांग्रेस कमेटी बालाघाट द्वारा आज स्थानीय सर्किट हाउस से प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। पूर्व सीएम कमलनाथ का आगमन बालाघाट जिले के परसवारा विधानसभा क्षेत्र के लामता के ग्राम बोंडरवा में 25 मई को सुबह 10:30 बजे आगमन होने जा रहा है, और आपको बता दें कि इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ सबसे पहले मीडिया से रूबरू होंगे और उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे करीब लामता के ग्राम भोंडवा में ग्राउंड में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। इस दौरान श्री नाथ नारी सम्मान योजना, 500वें गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट ऑफ जैसी अनेक योजनाएं जो कांग्रेस सरकार आने पर लागू की जाएगी, इस पर जनता के बीच खुलकर चर्चा करेंगे। परसवारा के पूर्व विधायक मधु भगत, प्रभारी आलोक मिश्रा, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और लांजे विधायक हीना कांवरे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बहर विधायक, आपको बता दें कि संजय, साथ ही लामता कमलनाथ के आगमन में जिले की जनता तथा समस्त कांग्रेसियों से उपस्थित होने की अपील की गई है। मैं बालाघाट की जनता से अपील करता हूं, 6 विधानसभा के मेरे जितने भी किसान भाई, मजदूर, महिला, पुरुष, बेरोजगार साथी, गवर्नमेंट कर्मचारी, जितने भी लोग हैं, उन सबसे मैं अपील करता हूं कि बालाघाट की एक बिगड़ी हुई फिजा को, जिस प्रकार से जो वातावरण प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने खराब करके रखा है, उसको सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री होने वाले जो हमारे 2023 के माननीय कमलनाथ जी के वचनों को सुनिए और आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप लोग वहां पहुंचे। निश्चित तौर पे
माननीय कमलनाथ जी के जो शब्द निकलेंगे उसमें हर वर्ग के लिए कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक विकास छुपा होगा, और वो घोषणा के माध्यम से नहीं, वो वचन के माध्यम से होगा। मैं सभी जनता से मैं अपील करता हूँ, विशेष तौर पर कार्यकर्ता बंधुओं को, मैं सारे लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग सभी लोग अपने पूरे क्षेत्र की जनता को लेकर पहुंचे। लामटा में आपका भव्य स्वागत है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लामटा में, लामटा ग्राम पंचायत में 25 तारीख को सुबह 10 बजे उनका आगमन होने जा रहा है। सुबह 10 बजे वो हेलीपैड में उतरेंगे, और सुबह 10 बजे उतरने के बाद कार्यक्रम स्थल में सबसे पहले वो पत्रकार साथियों के साथ मिलेंगे, पत्रकार साथियों को संबोधित करेंगे। पत्रकार साथियों से मिलने के बाद एक घंटे, लगभग एक घंटे का उनका हमारे जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, सेक्टर है, मंडल के जो अध्यक्ष हैं, हमारे मोर्चा संगठनों के जो अध्यक्ष हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उनके साथ वो संवाद करेंगे और उनको मार्गदर्शन देंगे। 25 तारीख को कमलनाथ जी आ रहे हैं, जो पिछली बार वाराणसी कमलनाथ जी आए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा हमारे जिले के लोगों को कहा था कि भाई जिस दिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तैयार किया जाता है, वो वे दूसरे के साथ सावधानी से क्षमा और नॉन जजमेंटल होकर साझा करते हैं, और अंत में दूसरों को अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने और अपने मकसद को सामने लाने में मदद करने में सक्षम बनाया जाता है। एक्सपीरियंस ले चुके लोगों का कहना है कि प्रोग्राम शैडो पर काम करने, एनर्जी सेंटर्स को पहचानने, फीलिंग्स को मैनेज करने और बहुत कुछ करने में मदद करता है। इन हर एंड आई कैन गो टू हर फॉर एनी प्रॉब्लम दैट आई एवर हैव। आई थिंक उन्होंने मुझे प्रॉब्लम्स फेस करना और आइडेंटिफाई करना बहुत बढ़िया तरीके से सिखा दिया है। Everybody should have a mentor like QG in their lives, so that their lives move in the right direction. Grateful to QG for every good of them. Thank you. Hello. My life is like a tennis chicken, and I didn't know where it is in my life is going to be. After this course, I have so much awareness about my own self. और जो प्रोग्राम का नाम है लाइफ ऑफ जॉय, इफ यू रियली वांट टू यू एंजॉय योर लाइफ, यू नो एवरीवन शुड डू दिस प्रोग्राम, बिकॉज हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है जो अनहील रह जाता है या जिस चीज की कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए यू नो दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन योरसेल्फ। इस लाइफ में को क्रिएशन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। को क्रिएशन एंड को एग्जिस्टेंस ऑफ टू थिंग्स which will help you to manifest and which will help us all to raise our level of consciousness. So the purpose of this program was to only this, to raise our levels of consciousness, to create this awareness among people. इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।